गाइस मैं हूं हनी और आपके लिए लेके आ चुका हूं काफ़ी मज़ेदार वीडियो। तो गाइस आप भी कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि गाइस मैं आपको पूरी ऑल चीज़ बताने वाला हूं कि कंप्यूटर लेते वक्त आप क्या क्या लें। फुल कंप्यूटर रिव्यू दूंगा गाइस आपको। तो गाइस ए टू जेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दो गाइस। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कंप्यूटर। तो गाइस वीडियो में बने रहो। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि फुल आप मतलब वीडियो एडिटिंग मतलब सब चीज़ करना चाहते हो तो गाइस आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर क्या है। तो गाइस मैं आपको तो यही कहूंगा कि एक मिनट गाइस, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मतलब कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो गाइस आप सही जगह पर आए हो। ओके गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप लोग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको पहले बात आती है एलसीडी की, भाई मैं कौन सी एलसीडी लूं। तो गाइस आपके सबसे पहले मन में विचार रहता है कि सैमसंग लूं कि जियोग्राफिक्स लूं। तो गाइस अगर आप मेरा सेटअप देते तो गाइस मेरे सेटअप पर आपको टोटली गाइस आपको मेरे सेटअप पर मतलब फुल गाइस जेवरोनिक्स या फिर सैमसंग को मिलेगा, कोई से उल्टी सैमसंग को। गाइस दोनों ही बहुत अच्छी है। तो गाइस बात कर लेते हैं पहले तो एलसीडी की, सैमसंग की अच्छी है कि जेवरोनिक्स की अच्छी है। इसी के साथ गाइस मैं बताऊँ सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी आपको देगा तो वो सैमसंग देगा। बट गाइस इसकी जो प्राइस है बहुत थोड़ी सी लेंदी है, और भाई अपन जेब्रोनिक्स की बात करें तो गाइस वो थोड़ा सस्ता है मिडिल हिसाब से। अगर आप गेमिंग पर्पस मतलब वीडियो यूट्यूब के पर्पस से लेते हैं तो आपके लिए ये वाली एलसीडी बेस्ट है। ये मैं आपको इसका साइज़ बता दूंगा, आप दो मिनट रुकिए। गाइस इसकी खोखी की बात करते हुए बता दूँ AHIPC पैनल देगा, मतलब पैनल देगा ये पैनल माने तो ये LED वर्सन गाइस बहुत अच्छा है, वाइड व्यू एंगल देगा जो आपको जेब्रोनिक्स ये देखिएगा। गेम मोड मिलेगा, ये i7 मोड मिलेगा। इसमें आपको बताऊंगा i7 मोड क्या होता है। ये अपने अंदर सेटिंग में जो फ्लिकर फ्री देगा तो घुमा सकते हैं। ये वॉल मोड रहेगा इसमें पता नहीं, ये देखा सैमसंग SF350, इसका मॉडल कोड आप देख सकते हैं गाइस। इसकी जो मिनिमम प्राइस है गाइस 6000 अप्रॉक्स है, और गाइस इसकी 47.0। और गाइस अगर ये सैमसंग की लेते हो तो गाइस विंडो 10 चलाते हो तो गाइस विंडो 10 में बहुत प्यारी चलेगी। कार का इस प्रकार का कुछ इसका डब्बा है, 3 साल की वारंटी देती है सैमसंग। इसका मॉडल टाइप गाइस आप देख सकते हो, पर गाइस चाइना कंपनी हो तो सीधी सी बात है। अब बात आती है गाइस कीबोर्ड पे, ये कीबोर्ड है गाइस में भी लाइट बंद है क्योंकि गाइस कंप्यूटर अभी खुला रखा है, सॉरी गाइस। तो गाइस जब अपने इसकी कीबोर्ड और माउस की बात आती है तो गाइस मैं यूज़ करता हूँ जेब्रोनिक्स के कीबोर्ड एंड माउस। तो गाइस इसकी बात करें अगर आप गेमिंग पर्पज से लेना चाहते तो गाइस बेस्ट यही है, लाइट वाले एंड दिस ओनली फॉर जेब्रोनिक्स। लुक देख सकते हैं आप कोई सी भी ले सकते हैं, बट गाइस ये अलग ही मेरे को लगा गाइस सबसे बेस्ट क्वालिटी है जेब्रोनिक्स की। गाइस देखिए पट्टी में लाइट मिलती है। गाइस ये मैं आपको इसका कोड दिखा दूँगा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है गाइस ये देखिए गाइस। और गाइस वही बात होती है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और गेमिंग पर्पस से ले तो गाइस मैं आपको दो चीज़ उसको ये है ये वायरलेस है, एक और चीज़ बताता हूँ आपको विदाउट वायरलेस एंड सस्ता। तो गाइस आप देख सकते हो जेब्रोनिक्स की ये भी माउस है, ये भी वायरलेस माउस है, ये विदाउट लाइट है मतलब RGB नहीं है। एंड गाइस ये इंटेक्स का है कीबोर्ड में आपको अगर विदाउट लाइट के पोर्टेबल रहेगा तो आप इंटेक्स का ही यूज़ करना। गाइस बहुत अच्छी सॉफ्ट ये है, गाइस इंटेल का वायरलेस है, मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ। गाइस एलसीडी की बात हो चुकी है, इसकी भी बात हो चुकी, अब बात आती है गाइस वेबकैम की। अगर गाइस आपको लगवाना है लगवा सकते, कोई वो नहीं है, इसमें फुल लाइट है एंड देन बीच में भी लाइट है, इसको आप क्लियरिटी ये जो घूमता है इसको क्लियरिटी और ब्लर कर सकते हो आप कुछ का। गाइस इसकी ये है, आप स्कैन करके आप इसको देख सकते हो इतने। तो गाइस मिडिल क्लास के लिए है, गाइस मैं भी यूज़ करता हूँ, गाइस मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, गाइस मेरे पास भी ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट बात आती गाइस आखिरी में पीसी की, गाइस पीसी बिल्ड कर रहे हैं, इस कौन सा बिल्ड करें
स्मॉल साइज का करें कि लार्ज साइज का करें। तो गाइस स्मॉल साइज का करो तो बेटर है गाइस। ये मेरा विंडो 10 है, विंडो 7 था इसका मैंने पोर्टेबल करवाया विंडो 10 में। तो गाइस स्मॉल ज़्यादा जगह नहीं घेरता है गाइस, पर इसमें सिस्टम उल्टा है। इसमें जो केबल लगाने का है पावर केबल गाइस वो उल्टा है, इसको स्टैंड में रखना पड़ता है। बट गाइस मैं इसको उल्टा रखता हूँ एंड इसकी स्टार्ट बटन देयर इधर पे है। तो गाइस इसको मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो गाइस अपन इसको खोलते हैं। तो गाइस ये इस प्रकार से कुछ खोलता है गाइस, ये बहुत प्यारा है। गाइस इसको संभाल कर रख लो पहले तो, एंड गाइस इसको ऐसे पुश करना पड़ता है। देन गाइस ये जेब्रोनिक्स का आ चुका है गाइस, ये मदरबोर्ड है। देन गाइस मदरबोर्ड के ऊपर एक मदरबोर्ड है, इसके नीचे चिप रखती है गाइस जेब्रोन इंटेल की या जेब्रोन का मुझे याद नहीं अच्छे से कि चिप है गाइस। वो बहुत अच्छी से उसे मदरबोर्ड दिया है। और देन गाइस एक फ़ैन दिया है जो कि बहुत पावरफुल है। मैंने दो फैन लगवाए, एक ये वाला फैन बनता पर गाइस अपने को बहुत ज़रूरी है दो फैन चलाना। और गाइस बात करो हार्ड डिस्क की गाइस, हार्ड डिस्क बहुत सही लगेगी। हार्ड डिस्क की जो पावर है गाइस बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊंगा नहीं ये किस टाइप की होगी गाइस। ये आप बाय करना चाहते हो मेरे को जीमेल पे बात करिए गाइस, मैं आपको उसमें फुल रिव्यू दूंगा। और गाइस बात करते हैं अपन इसकी SSD कार्ड की गाइस, मैंने अलग से लगवाया हूँ 256 GB का लगवाया हूँ SSD कार्ड गाइस, आप देख सकते हैं बस 256 GB की SSD कार्ड है गाइस, जो कि बहुत सही रहती है। और गाइस मैंने जो गाइस सॉरी गाइस का मैं नाम भूल गया, क्या कहेंगे आज को भूल ही गया गाइस, वीडियो बनाने बैठो तो सब चीज़ हो जाती है। तो गाइस ये मैंने दो लगवाए हैं, ये दो लगवाना गाइस बहुत ज़रूरी है। एक लगवाते तो आपका जो PC है बहुत कम लोड बहुत लेगा, दो लगवाते तो दोनों साथ साथ लोड लेंगे। और जिसकी रैम है गाइस मैंने उसको 8 GB करवाया, 4 GB नहीं पहले 2 GB थी, उसके बाद मैं 4 GB बोला, पर गाइस मैंने बोला नहीं मुझे चाहिए है 8 GB। तो गाइस मैंने गेमिंग पर्पज़ के हिसाब से मैंने 8 GB लगवाया। तो गाइस ये रहा मेरा खुद का सेटअप है गाइस, मैं दूसरा सेटअप बताता हूँ आपको। और गाइस इसके पीछे के सिस्टम की बात तो गाइस इसमें तीन चीज़ मिलती है कि एक तो मैं आपको बताता हूँ इसमें वाईफाई का देता है अगर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर में, एंड गाइस बीच में ये स्पीकर का देता है। एंड गाइस इसमें थर्ड चीज़ देती है जो रहती है स्पीकर उसकी गाइस क्या कहेंगे माइक की। एंड गाइस इसमें इतनी अच्छी चीज़ इसमें 4 USB केबल दी जाती है एक मिनट गाइस। एंड गाइस ऊपर भी गाइस केबल दी गई हैगी। एंड गाइस ये तो हवा के लिए आर पार है। एंड गाइस इसमें मैंने लगा के रखा है वाईफाई जो कि गाइस 802.11n का है गाइस, जो कि बहुत अच्छा है। और जो गाइस HDMI केबल है वो लगा सकते हो, और ये अपनी VGA केबल है ना। और गाइस ये प्लस 155 का है, ये जो 155 उसका है गाइस। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, ये जो दो चीज़ रहती है गाइस ये माउस और कीबोर्ड के लिए रहती है, ऊपर जो चीज़ रहती है ना गाइस। और गाइस ये जो है गाइस ये मुझे पता नहीं है गाय की है। ओके गाइस इसका रिव्यू अच्छा लगा। बट गाइस मैं आपको दूसरा रिव्यू बता, और गाइस दूसरा कंप्यूटर आता है जेब्रोनिक्स का है गाइस, ये सस्ता पड़ता है, ये स्लिम है गाइस, ये भी स्लिम हो जाता है, एंटी ग्लेयर है। एक मिनट गाइस लाइट एंड HD 8440x900 का है जो कि जेब्रोनिक्स का चिन्ह देता है, जेब्रोनिक्स का। जेब्रोनिक्स की ये माउस भी है जो कि आप मिडिल क्लास फैमिली से गाइस ये बाय कर सकते हैं कि आपको 10,000 के समथिंग का पड़ सकता है, 10,000 का पड़ सकता है। इस पे मत जाना गाइस, ये वाले प्रिंटर का मैं बात आपको रिव्यू दूंगा प्रिंटर कौन सा बेस्ट है। ये प्रिंटर थोड़ा सही नहीं है मैं आपको बताऊंगा। और गाइस बात आती है इंटेक्स की, ये जो कंप्यूटर गाइस इसका मेरा खोखा ख़राब हो गया था तो इसमें इंटेक्स का खोखा डलवाया, जो गाइस इंटेक्स की जो बिल्ड क्वालिटी गाइस वो किसी और सैमसंग जेब्रोनिक्स से नहीं है। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इंटेक्स का अच्छा है। गाइस अंदर के पार्ट की बात करें गाइस इसको खोलूँगा नहीं, अंदर के पार्ट फुल जेब्रोनिक्स का है। तो ओके गाइस आपको इसकी लाइट भी देखना, तो गाइस मैं फुल रिव्यू आपको दूंगा अगली वीडियो पे। गाइस ये वीडियो 10 मिनट्स प्लस हो चुकी है। तो गाइस ओके गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, A to Z वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस कीप सपोर्टिंग अस एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।